बढ़ती महंगाई और खाद्य सुरक्षा की चिंताओं के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए गेहूं के बाद आटे और इससे जुड़ी अन्य चीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आटे के अलावा जिन चीजों के निर्यात पर अंकुश लगाया गया है वह मैदा, सूजी और परिणामी आटा। वहीं विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT की एक अधिसूचना के अनुसार ये निर्णय 12 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। वहीं 6 जुलाई को जारी DGFT की अधिसूचना में गेहूं निर्यात करने वाले सभी निर्यातकों के लिए गेहूं के आटे के निर्यात के लिए अंतर मंत्रालय सीमित से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस बारे में DGFT ने कहा कि गेहूं और गेहूं के आटे में वैश्विक आपूर्ति में आने वाली दिक्कतों के कारण इस कारोबार में कई नए खिलाड़ी आ गए हैं। इससे कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया है और गुणवत्ता से संबंधित कई आशंकाएं भी पैदा हुई हैं। अधिसूचना में कहा गया कि सभी निर्यातकों को भारत से निर्यात होने वाले गेहूं के आटे की गुणवत्ता बनाए रखना अनिवार्य है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने कहा कि इस फैसले को गेहूं के आटे पर निर्यात प्रतिबंध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन निर्यातकों को इसके लिए अंतर मंत्रालय समिति से अनुमति लेनी होगी। साथ ही विदेश व्यापार महानिदेशालय ने साफ किया है कि इस संशोधित नीति के लागू होने से पहले जो ऑर्डर लिए जा चुके हैं और जहाज पर गेहूं के आटे की लदान शुरू हो गई है या आटे का कंसाइनमेंट सीमा शुल्क विभाग को दिया जा चुका है, उनके निर्यात की अनुमति होगी। वहीं बता दें कि मई 2022 में केंद्र ने गेहूं के निर्यात को रिस्ट्रिक्टेड श्रेणी के तहत रखकर गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया था। सरकार ने तब कहा था कि ये कदम देश की खाद्य सुरक्षा के प्रबंध के साथ साथ पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आटे के निर्यात पर लगाए गए अंकुश को भी इस रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।